तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपने इस फॉर्म को अगर ऑनलाइन नहीं अपलोड किया तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा, बहुत बड़ा फॉर्म। अब आप समझ गए होंगे। तो मैं बात करने जा रहा हूँ फॉर्म 15G के बारे में कि अगर आप इसे अपलोड नहीं करते हैं तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर आपका TDS भी डिडक्ट हो गया तो आप उसे कैसे क्लेम कर सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को तो आप जरूर देखिएगा। क्या आप भी PF कंसल्टेंट बनना चाहते हैं? क्या आप भी पार्ट टाइम इनकम अर्न करना चाहते हैं? तो आप सही वीडियो पर हैं। हम 4 साल से PF की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस कोर्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट PF रिकॉर्डेड वीडियोस एंड PF मटेरियल, सेकेंड PF रिकॉर्डेड वीडियोस लाइव सेशन, PF मटेरियल और लाइफ टाइम सपोर्ट। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पर 9702392971। तो जैसे कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ फॉर्म 15G के बारे में। ठीक है, फॉर्म 15G इसलिए होता है ताकि आपका TDS ना डिडक्ट हो। इसके लिए जो है फॉर्म 15G को फिल किया जाता है। ओके, पहली बात ये होगी क्लियर। अभी कौन से फॉर्म क्लेम अप्लाई करेंगे? क्या हम फॉर्म 31 अप्लाई करें तो अपलोड करें? क्या हम फॉर्म 10 से अप्लाई करें तो हम इसे अपलोड करें? क्या हम डेथ क्लेम हो या जो भी है? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ सिंपल, एकदम सिंपल। जब भी आप फॉर्म 19, जैसे आपने डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर दिया और आप सोच रहे आप भाई मैं अपना फुल एंड फाइनल क्लेम अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उस सिचुएशन में आपको जो है फॉर्म 19 जब अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको फॉर्म 15G का एक ऑप्शन आता है। ओके, 2 MB का होना चाहिए साइज और उसे आपको अपलोड करना था। इसमें एक अच्छी बात है कि आपको एम्प्लॉयर से कुछ आपको सील साइन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको खुद भरना है, साइन करना है और आपको PDF में कन्वर्ट करके अपलोड करना है। ओके, एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर्म 19। ओके, इसे अपलोड नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान है। ओके, आपके PF अमाउंट से आपका TDS लग जाएगा। वो कितना लगेगा, कैसे लगेगा, कौन से सिचुएशन में लगेगा, कौन से सिचुएशन में नहीं लगेगा, वीडियो आ जाएगी सून, आप देख सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ऐसे क्लेम रिजेक्ट किए जाते हैं ड्यू टू फॉर्म 15-19, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, ऐसे बहुत बार PF ऑफिस फॉर्म को क्लेम को रिजेक्ट करते हैं ड्यू टू फॉर्म 15G नॉट अपलोडेड, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस बात पर मैं अप्रिशिएट करता हूँ PF ऑफिस को कि वो आपका पैसा बचाना चाहते हैं, इसके लिए आपका रिजेक्ट करें, बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।